तो वैलो कैसे हो आप लोग तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाइन में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पीआर सिंह टाइगर मारा जा चुका होता है और अब बारी होती है लू फैंग और पर्पल क्लॉक की और यहाँ पे दोनों मिलकर गोल कैंग पे अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है की लूफेंग के पास तो अंडाइंग बॉडी नहीं होता है इसी कारण लूफेंग अपने अंडाइंग बॉडी को यूज भी नहीं कर सकता था और यहाँ पे पर्पल क्लॉ लू फैन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है वह लूफेंग को कहता है कि तुम बहुत ही यूजलेस हो तुम यहाँ पे अपने

प्रेशर दे रहा था और तभी दिखाया जाता कि क्लॉक वहां पर चेंज होने लगता है और वो उड़ने लगता है और उसकी जो पावर होती है वो बढ़ने लगती है वो एक्सपेंड होने लगता है और वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है अब जितना बड़ा रूम था वो भी उतना बड़ा हो जाता है लूफेंग और गोल्ड कैंग के पास कोई भी स्पेस नहीं बचता उसे डॉज करने के लिए पूरा का पूरा रूम ही उसी क्लॉक से कवर हो गया होता है और दिखाया जाता है कि वो पर्पल एंसिय क्लॉन्ग ऐसा लग रहा था जैसे कि इंटरनल एज से बना हुआ है और उसकी पावर बहुत ज्यादा होती इसके कारण तो लू फैंक भी काँपने लगा था जिसको देख कर यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये एक ट्रू चेयर से जैसा कि उसने यांजू एम्पे के पास देखा था और उसके बाद उसके फादर भी इसको यूज किया करते हैं ये एक टू जो कि एक नाइट यूज किया करता है और अब फिर हमें सिम चेंज कर उसी रूम का सिचुएशन के बारे में बताया जाता है कि वो तीनों वॉडीज एक दूसरे में लड़ाई कर रहे होते हैं और क्लॉक का डायमीटर भी सोलह मीटर का हो गया था जो कि पूरे के आधे रूम के सरफेस को कवर कर लिया था अब गोल्ड कैंक को दिखाया जाता है जो ये दिख कर शौक हो जाता है और कहता है कि पर्पल पर क्लॉक एम तुम तुम ये क्या कर रहे हो अब यहाँ पे वो कहता है कि तुम जानते थे कि यहाँ पे मैं अपने फाइव क्लॉक से अटैक करता था और लेकिन मेरे पास पर्पल क्लॉक जो कि मेरे प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि ये यह टूट से और ये एक मिस्टीरियस एंसेंट क्लॉक जैसा है ये सुनकर उसके बाद वो आगे कहता है कि गोल्ड कैंग तुम मुझे मारना चाहते हो ना अब यहां पर तुम मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारी जगह मैं तुम्हें मारने वाला हूं अभी देखा जाए तो ऑलरेडी दो पाइनिकल कल एम्पर और एक एम्पर लिमिट ऑलरेडी मारा जा चुका है और यहाँ पे उसके पास क्लॉक था तो उसका कुछ भी नहीं हुआ था अब जिसके बाद पर्पर क्लॉक एम्पर कहता है कि तुम और तुम इंसान आज दोनों मरने वाले हो जिसके बाद वो कहता है कि ह्यूमन तुम सच में यूजलेस हो तुम्हारा मरना तो पक्का है और तुम्हारे मरने के बाद सारे मिस्टीरियस डिफेंस ट्रेजर मेरी हो अब यहाँ पे दो सेपरेट वॉइस आती हैं जो कि एक लू के माइंड में आती है एक गोल्ड कैंक के माइंड में आती है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पर्पर क्लॉक एक स्टेप पीछे लेता है वो अपने इंसेंट क्लॉक को अपने ऊपर मेल कर लेता है अपने बॉडी में यूज कर लेता है अब दिखाया जाता है कि जैसे ही वो पीछे होता है वहां पे एक ब्लैक गॉड क्रिस्टल आ जाते हैं जिसकी प्राइस ओवर टेन मिलियन मिक्स एलिमेंट जितनी होती है अब ये देखकर तो अच्छा नहीं है लूफेंग तो तो जान जाता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है और दिखाया जाता है कि वो क्रिस्टल ऑलरेडी इरप्ट होना शुरू हो गया होता है और पर्पल क्लॉक भी हंसने लगता है और कहता है एक्सप्लोर अब हमें यहाँ पे बताया जाता है कि अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि पर्पल पर क्लॉक अपने और अपने क्लॉक पर निर्भर नहीं मार सकता था यहाँ तक कि उसके पास थे। लेकिन वो एक लिमिट को नहीं मार सकता है इसलिए पर्पल पर क्लॉक ने यहाँ पे क्रिस्टल को यूज करना यहाँ पे लाजमी समझा और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पहले तो ट्री पाइनिकल एम्पर जितनी एक्सप्लोजन निकलने

और ये मेरे लिए अच्छी बात है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पर, पर क्लॉक जो आगे क्या आता है कि ह्यूमन कोल्ड कैंक तुम दोनों मरने वाले हो जिसके बाद में सारी यहाँ के ट्रेस मेरे हो जाएंगे अब देखा जाए तो ह्यूमन्स के पास भी उसके अच्छे डिफेंसेस थे और उसे भी अभी लूफेंग के डिफेंस के बारे में नहीं पता था कि आखिर लूफेंग अपने डिफेंस से कितना लोग सकता था इसलिए वो यहाँ पे इस फ्लेम क्रिस्टल को यूज़ कर रहा होता है और अब फिर इन्हीं सब के बारे में पर क्लॉक सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग लो मरेंगे तो आखिर मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर रूम में अलग से फाइट हो ही रही होती है कि वहाँ पे कंट्रोल रूम से हुए तीन एबोरिजनल उन सबको एबजॉर्व कर रहे होते हैं और यहाँ पे सब चीज देख रहे होते हैं कि आखिर में क्या हो रहा है अब यहाँ पे पालिया लाडी मोह मेबू को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मारो एक दूसरे को मारो जितना मारोगी उतना ही अच्छा होगा जाओ मर जा इसके बाद यहाँ पे सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और सब लोग खुश होते हैं और यहाँ पर तो वो चाहते हैं कि ये सब मारे जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने रेस को खोता हुआ देखा था और यहाँ पर इन सब के बारे में ही सोच रहे होते हैं रफी फिर यहाँ पर ऐसे इन सब के बारे में बकवास लिखी होती तो इसको मैं स्कीप करता हूँ और अब फिर हमें सीन चेंज कर पर्पल पर क्लॉक को दिखाया जाता है जो उसी क्लॉक के अंदर समाया होता है और दिखाया जाता है कि उसके चारों तरफ से पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है उसके धमाके से चारों तरफ धमाका हो रहा होता है वहाँ पे एक रिपल भी महसूस हो रही थी जो कि पर पर की पर्पल क्लॉक के बॉडी की ओर फैली हुई थी और दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितना भी अटैक क्यों ना हो उसका नाइनटी परसेंट उसका पर्पल पर क्लॉक एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके बाद अगर कुछ अटैक भी होगा तो उससे उसका कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है यहां पे हमें उसको दिखाया जाता है जो स्माल करते हुए क्या था गोल कैंग ह्यूमन तुम तो मरने वाले हो जिस जिसके बाद तुम्हारे ड्रेस सब मेरे हो जाएंगे और अब फिर हमें सीन चेंज कर वहीं के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे गोल कैंक वहाँ पे गुस्से में होता है और वो दर्द में चिल्ला रहा होता है और वो घूरते हुए कहता है पर्पर क्लॉक और दिखाया जाता है वहीं पे एक जोरदार धमाका होता है एंसेंट क्लॉक वहाँ के टेरिफाइंग फोर्स को अपने अंदर कंडेंस कर लेता है और वो एक ही डायरेक्शन में जो कि गोल्ड कैंक ही होता है उधर भेज देता है अब आप लोग इसको इस तरह से समझ लूँ की पूरे के पूरे अटैक को एक जगह कंसेंट्रेट करके लेजर की तरह गोल्ड कैंक पे पॉइंट किया जाता है और इतने क्लोज डिस्टेंस में गोल्ड कैंक भी उसको डॉज नहीं कर सकता है उसको इंस्टेंटली उस अटैक का सामना करना पड़ गया अभी यहाँ पे दिखाया जाता है ये फोर्स पिछले वाले से दस गुना ज्यादा था अगर नॉर्मल एक्सप्लोजन होता तो ये थ्री टाइम्स था और इसको आराम से वो झेल सकता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है गोल कैंक जिसने ऑलरेडी अपने तीन परसेंट अंडाइन बॉडी को फाइट को सुलझाने में लगा दिया था लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो इंसेंट क्लॉक में ट्रैप हो चुका था अगर यहाँ पर वो अपने अंडाइन बॉडी को बर्न करता तो इम्प्रेट लेमेंट के होते हुए भी वो इस ब्लास्ट को वेट स्टैंड कर सकता था लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तेज़ रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा होता है और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं था उसको या अपने बॉडी को बर्न करने के लिए जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो जान जाता है कि वो यहाँ पे मरने वाला है और यहाँ पे वो याद करता है कि मेरे प्यारे मेरे टीचर गोल्ड पे मैं गोल कैंग यहाँ पर आप सबको अलविदा कहता हूँ मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं जब रिवाइव हूँ तो आपको फिर से देख पाऊँगा और यहाँ पर वो फिर से मौत के समय में अपने प्यारों को याद रख रहा था और वो कहता है कि bye bye तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो तुम भी खुद ही मरोगे अब दिखाया जाता है कि फाइनल मोमेंट में भी वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोड करने की सोचता है अब नॉर्मल अटैक तो फ्लेम गोड क्रिस्टल के एक्सप्लोजन पावर से एक एम्पर की डिस्ट्रक्टिव पावर से ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पर गोल्ड कैंग अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला था और जबकि उसने अपने ज़्यादा बॉडी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया होता है इसी कारण वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करता है ताकि पर्पल क्लॉक भी इससे अफेक्ट और वो भी मारा जा सके और यहाँ पे वो एक पाइनिकल एम्पर लिमिट का वाला बनना था तो उसकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है और अब क्योंकि अगर ऐसा धमाका होगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और वो भी इस पावरफुल ब्लास्ट को फील कर पा रहा होता अब दिखाया जाता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉ कर लेता है और उसकी धमाका चाहो तब जाने लगती अब उसकी क्लॉक मेम्रेन तो नाइन्टी परसेंट पावर को डिफ्यूज़ कर देती है लेकिन जो फोर्स अभी 10 परसेंट बाकी थी वो भी इतना ज़्यादा है कि वो आराम से किसी भी पाइनिकल एम्पर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और यहाँ पर तो वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा तो ये और भी ज़्यादा होने वाला था और अब फिर दिखाया जाता है कि वो भी अपने मौत को देख रहा था जिसके कारण वो भी अपने पर्पल क्लॉक को अपनी चाहता बाइंड करने लगता है ताकि वो गोल्ड कैंप के ब्लास्ट को अपने ऊपर सह सके अब दिखाया जाता है कि वहाँ चाहता धमाके धमाके हो रहे होते हैं और यहां पे टू फोर्सेस एक साथ यूनाइट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि हंड्रेड टाइम ज़्यादा फोर्स लगता है क्योंकि दोनों ने अपने अपने धमाके किए होते हैं और जहाँ भी ये धमाका होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा बन गया होता है अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे नाइट एम्पर ने जब अपने 50 परसेंट अंडाइन बॉडी के साथ एक्सप्लोर किया था तो वहाँ पे साठ किलोमीटर एरिया पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इस बार तो और भी ज़्यादा धमाका हुआ था जिसके कारण छः किलोमीटर गहरा बन गया था और वहाँ रास्ते में जितना भी चीज़ था हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो गया था और आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा लू कि यहाँ पर इतने हाई लेवल के मेटल से लेकिन फिर भी छह हजार किलोमीटर डीप यहाँ पे गड्ढा बन गया था और अब हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि गोल कैंग था और लू फैंग भी यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोल कैंग ने भी यहाँ पे फ्लम को क्रिस्टल को फोकस किया था तो उसमें से कुछ लू फैंग ने भी हिट कहा था अभी देखा जाए तो ये ट्रेड उतना भी ज्यादा नहीं था क्योंकि जितना भी फोर्स था वो सब गोल्ड कैंग पे ही जाके एक्सप्लोर होने लगा था अब लू फैंग भी उसके पावर से हिट हुआ था लूफेंग ने अपने आप को सिल्वर विंग से भी कवर अप किया हुआ था और दिखाया जाता है कि अब इन सब के दरमियान लूफेंग सब जान जाता है कि अभी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होने वाला है जिसके कारण दिखाया जाता है कि लूफेंग अपने ह्यूमन बॉडी को अपने इंटरनल वर्ल्ड में छिपा लेता है जैसे कि वो किसी भी रिंग्स या फिर सामान को अपने अंदर रख लेता है और दिखाया जाता है कि अपने ह्यूमन बॉडी को अंदर रखने के बाद वो एक वर्ल्ड रिंग को निकालता है और दिखाया जाता है कि लूफेंग के तीन बॉडी इंस्टेंटली अपने आप को स्विच कर लेते हैं और इंटरनल वर्ल्ड जहाँ पर वो न्यूच्यूर किया करता है वो अपने ओरिजिनल कोर को छिपा देता है और उसको साव विंग्स से कवर कर लेता है अब साव विंग्स जो कि लू के बॉडी से विल्ड हुए थे उसके मसल से कंप्लीटली बाहर निकल के वहाँ पे वर्ल्ड रिंग को घेर लेता है अब यहाँ पे लू के लिए सबसे सेफेस्ट वे था कि वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में चला जाए और वर्ल्ड रिंग को बाहर रख दे ताकि वो अपने सोल को बचा सके अपने ह्यूमन बॉडी को बचा सके ताकि उसे अपने गोलन हॉर्न बीस के बॉडी को निकालना पड़ सके अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिल्वर अपने आप को व में छिपा लेता है और वहां पे बहुत ज्यादा धमाका होने लगता है और वहां पे चारों तरफ़ फ्रैगमेंट्स ही फ्रैगमेंट्स गिरने लगते हैं और जबकि गोल्ड कैन भी यहाँ मारा गया था तो उसका वर्ल्ड रिंग भी इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें से बहुत सारे आइटम्स गिरने लगते हैं और ये आइटम्स इतना है कि कोई भी एम्पलस की जितनी भी संपत्ति होती उससे ज़्यादा ही था और अब फिर हमें पर्पर क्लॉक को देखा जाता है जो कि एक एक्सप्लोजन से, से बच गया होता है वो मरा नहीं होता है जिसके बाद वो खुश होते हुए क्या था कि ये सभी मेरे हैं और यहाँ पर वो क्या आता है कि मुझे अपने ट्वेंटी सिक्स बॉडी को गंवाना पड़ गया इस ब्लास्ट को सहने के लिए लेकिन ये वर्दी रखता है ये कम्पलीटली वर्दी है यहाँ पे जितने भी ट्रेजर है वो एक एम्पेयर लिमिट की वेल्सिप बहुत आ जा रहा है और यहाँ पे उस ह्यूमन की डिफेंसिव ट्रेजर और चेन चेस्ट ये और भी ज्यादा है सब चीज मेरा होने वाला है और मेरी अंडाइन बॉडी जो मैंने गंवाई है ये वर्दित रखता है और वो इन सब के बारे में खुश हो रहा होता है अब यहाँ पे छह किलोमीटर गड्ढा बन गया होता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे जो भी ब्लास्ट हुआ होता है तो सिंपली वो सभी नीचे की तरफ जा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि वो उन सबको कलेक्ट करने लगता है अब यहाँ पे वो एक एक करके सबको कलेक्ट कर रहा होता है बहुत ही एक्साइटेड भी होता है अब यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन इन सबको देखा गया तो यहाँ पे वो भी एक्साइटेड हो जाएगा और यहाँ तो ये भी एक्साइटेड था और वो उन सबको इसी तरह से गिन रहा था और वो क्या था कि मैं इससे फिर से दो और फ्लेम घोट क्रिस्टल खरीदने वाला हूँ जिसके बाद वो नीचे की तरफ जाता और सब चीज़ को कलेक्ट करने लगता है अब यहाँ पर जैसे ही पर्पल कलर कलेक्ट कर रहा होता है अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे कई सारे ट्रेस थे जैसे कि पर्पर क्लॉक इसको तो नाइट वाले भी वैल्यू देंगे और साविंग्स जिसके लिए तो नाइट्स भी पागल हो जाएंगे और इससे भी ऊपर जो कि यूनिवर्स मास्टर यूज किया करते हैं जैसे कि जिनर आर्मर और बाकी चीज जो कि लू फेंग के पास मौजूद थी अब दिखाया जाता है जो भी टॉयलेट्स वहाँ गिरे होते हैं उसे गिरा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और पर्पर क्लॉक तो कुछ जाना ही खुश हो रहा होता है और क्या आपको लगता है कि लू फैंग मारा गया तो नहीं अभी यहाँ पर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि सा विंग्स भी नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है और साउ विंग्स के बगल में ही चेस्ट और कई सारे लार्ज अमाउंट ऑफ टोयस भी गिर रहे होते हैं अब दिखाया जाता है हमें लूफेंग के मोसा क्लैंसमैन की बॉडी का और यहीं पे उसका इंटरेस्ट हो जाता है वो कहता है कि मैं एक्चुअली इतना ज्यादा कलेक्ट कर पा रहा हूँ और वो भी हंस रहा होता है अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे मेटल फ्रैगमेंट्स जो कि उसी विंग के साथ गिर रहे होते हैं जो कि जी ग्रेड के होते हैं और दिखाया जाता है कि लू फैंग के मोसा क्लैंसमैन की बॉडी अपने आप को जी ग्रेड के मेटल में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और वो अपने एनर्जी को भी एकदम लो किए हुए था ताकि और यहाँ पे एक एक करके वो भी में रख लेता है और वहां पर जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं वो सबको भी इंटरनल वर्ल्ड में रख रहा था अब देखा जाए तो टावर भी लोग भी इसको स्कैन नहीं कर पाते हैं क्योंकि लूफेंग ने अपने आप को इस कदर तक छिपाया हुआ था अब यहाँ पे पर्पल क्लॉक भी लूफेंग को डिस्कवर नहीं कर

और उसे गोल्ड कैंग का ठंडा पाइक भी मिल जाता है जो कि डैमेज नहीं हुआ होता है और वो उसे रख लेता है अब इसके बाद वो जैसे ही उसे ख्याल आता है कि आखिर यहाँ पे कहाँ है स्पेस रिंग वर्ल्ड रिंग, ऐसा लगता है कि गोल्ड कैंग का जो ब्रोकन हुआ है वहाँ पे और भी अंदर से रिंग्स मौजूद थे जिसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पे और भी रिंग्स होते हैं उन सबको रख लेता है अब यहाँ पे पर्पर क्लॉक ऊपर से लूट रहा होता है वहीं पे मोसा क्लांसमैन की बॉडी नीचे से लूटना शुरू कर दिया होता है और ऊपर नीचे से दोनों साफ हो रहा होता है अब यहाँ पे लूटने का सिलसिला बहुत ज्यादा लंबा दिखाया जाता है तो इन सबको मैं स्किप करता हूँ अब फाइनली उसे याद आता है कि यहाँ पे चेस्ट कहाँ है और वो थोड़ा सा घबराने लगता है और नीचे की तरफ जाने लगता है कि आखिर चेस्ट क्या है क्या वो दीवार से डकरा नीचे गिर गए हैं अब छह किलोमीटर लंबा गड्ढा है तो हो सकता है कि वो यहाँ पे कहीं पे बाउंस होकर साइड में चला गया होगा और यहाँ पे वो कहता है मुझे कैसे भी करके उस चेस्ट को ढूंढना पड़ेगा सारे ट्रेस भी तो यहाँ पे होने चाहिए और वो कहता है कि जब गोल्ड कैंग यहाँ पे एक्सप्लोर किया था तो उसमें से कई सारे ट्रेस भी निकले हुए थे और यहाँ पे सिल्वर विंग्स भी गिर रहे है होते हैं तो आखिर यहाँ पे चला कहाँ गया और वो कहता है कि छोड़ो पहले मैं अपने चेस्ट को देखता हूँ सबसे ज़्यादा वैल्यूबल तो वही है जब तक मैं उसे ले लूँगा तब तक मैं उसे खोलने का कोई ना तरीका यहाँ पर ढूंढ लूँगा जिसके बाद वो सब चीज़ सर्च करना शुरू कर देता है और यहाँ पर जो जो चीज़ें होती हु उन्हें स्पेस रिंग्स में भी रखना शुरू कर देता है अब यहाँ पे वो उसे बहुत खोजता है लेकिन उसे चेस्ट कहीं नहीं मिलता और वो नर्वस होने लगता है और क्या था कि आखिर वो कहाँ गया अभी तो यही था वो और वो बहुत ही एनजियस होने लगता है क्योंकि उसका टूथ ट्रेजस तो यही सब था अब तभी दिखाया जाता है कि पर्यपल पर फिर से मेटल फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करने लगता है जो कि एटलीस्ट बिलियन मिक्सड एलिमेंट्स के बराबर होंगे ही अब यहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसे नहीं मिल रहा होता है अब यहाँ पे पर्पल क्लॉक एक मेटर फ्रैगमेंट को कलेक्ट कर ही रहा होता है लेकिन तभी दिखाया जाता है कि कलेक्ट करते समय वो जो मेटर फॉर्म होता है वो उसके वर्ल्ड रिंग में आता ही नहीं है बल्कि वो कहीं और ही चला जाता है जिसको देखकर वो शौक हो जाता है कि आके चल क्या रहा है और तभी दिखाया जाता है कि उसके पीछे से एक बंदा निकलता है वो हंसने लगता है और ये कोई और नहीं लू फेंग होता है जो कि अपने आप को सिल्वर विंग में कवर किए हुए था और दिखाया जाता है कि वो मेटल फ्रैगमेंट लू फेंग के वर्ल्ड रिंग से बाहर निकल के उसके हाथों में

भी उसकी तब इस्तेमाल करते हुए कहता है कि पापा क्लॉक तुम्हारा शुक्रिया था में सीन चेंज कर कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों बंदे अभी भी वहाँ पे देख रहे होते हैं और वो शुरुआत से लेके अंत तक सभी चीजों को देख रहे होते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोजन के बाद हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो गया था जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो भी शुरुआत से नजर बनाए हुए थे अब उन्हें भी पता था कि यहाँ पे ट्रेस अपने आप गायब होते जा रहे हैं उन्हें भी नहीं पता चल रहा था आखिर ये कैसे हो रहा है लेकिन फाइनली जब ने अपने आप को उन सब के सामने लाया तो सभी लोग हो गए कि आखिर ये बंदा जिंदा कैसे है और ये ह्यूमन ये कैसे कर पाया अब देखा जाए तो सबसे यहाँ पे पावरफुल था वो भी मारा गया है और यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव कर गया है आखिर कैसे हो सकता है इसकी स्ट इतनी ज्यादा नहीं है अब पाई लादिमो मेबू ये सब शौक ही हो रहे होते हैं और यहाँ पे जो ग्रेटेस्टर था वो तो एक ह्यूमन निकला और अब फिर यहाँ पे ऐसे कई सारे बातें होती है जो कि उन सब फालतू में बेफिजूल में कर रहे होते हैं और अब फिर यहाँ पे फाइनली वो सब बात करते हैं जिसके बाद वो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा मुझे नहीं लगता है कि वो इस ट्वेल रूम को डिस्ट्रॉय भी कर पाएंगे हमें अपने टेलीपोर्ट करके गॉड कंट्री में जाके वेट करना होगा और बाद में आके ट्रेलर्स को ले लेना होगा और जबकि रूम चला गया है तो ट्वेलर्स भी उनके पास ही हैं और यहाँ पे छह किलोमीटर तक उन्होंने गड्ढा कर लिया है अब देखा जाए तो यहाँ पे डैमेज तो हुए लेकिन वो बीस परसेंट ही हुआ है और टावर को डैमेज कर पाना ये यूजलेस है जिसके बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो कम से कम हमें एयरेंटेंस तो मिल ही गई है ये हमारे रेस को फिर से पावरफुल और फिर से ऊपर लाने में मदद करेगी और यहाँ पे वो सब बात करके वहाँ से गॉड कंट्री को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जिसके बाद पायु वहाँ से निकलने से पहले टावर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में कर देता है जिसके बाद ए भी इसकी हामी भरता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर गॉड कंट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों एबोरिजिनल वहाँ पे आ जाते हैं अब आते ही वहाँ पे जितने भी एम्प्रेस होते हैं वो उसने लगते हैं कि गॉड मास्टर कहाँ है एल्डर कहाँ है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन्हीं तीनों बंदे को जो कहते हैं कि हमारे एल्डर वो मारे गए हैं तो ये सुनकर जितने भी एम्पायर होते हैं वो शौक हो गए हैं जिसके बाद पाई आई बोलता है कि उनका नेट वर्थ नहीं जाना चाहिए उन्होंने इंडिया इंटेंस के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है इसलिए हम सबको फिर से पावरफुल बनना होगा फिर से आगे बढ़ने होगा अब यहाँ पे एम्पर सारे टूट चुके थे लेकिन क्या करें उन्हें फिर से स्ट्रांग बनना होगा अपने फ्यूचर के लिए ताकि वो फिर से अपने रेस को राइज करा सके तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लूफेंग पर क्लॉक को भी मार पाता है या फिर नहीं और उसके ट्रेस को ले पाते या फिर नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में tak tak ke liye